दोस्तों एक बार की बात है, बार बार लोगों के पैरों के तले कुचले जाने के कारण मिट्टी अपने भाग्य पर रोते हुए कुम्हार से कहती है कि मैं कितनी बदनसीब हूं कि कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता, हर कोई मुझे अपने पैरों के तले रौंदता रहता है। और वहीं दूसरी ओर मेरे ही भीतर से निकलने वाले फूल का लोग इतना सम्मान करते हैं, लोग फूलों की माला बनाकर गले में पहनते हैं, लोग फूलों को अपने इष्ट देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता। मिट्टी की इस वेदना को सुनकर कुम्हार ने मिट्टी से कहा, बहन सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारा सम्मान दिला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर मिट्टी ने कुम्हार को बीच में रोकते हुए ही कहा कि तुम्हारी एक शर्त क्या? मैं हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूं, बस तुम मुझे मेरा सम्मान दिला दो। तो कुम्हार ने कहा, ठीक है तो तैयार हो जाओ। अब कुम्हार ने जमीन से मिट्टी को खोद करके निकाला, लादा और घर ले गया। घर ले जाकर उसने मिट्टी को रात भर पानी में भिगो कर रखा, सुबह पानी से बाहर निकाल उसको पैरों के नीचे खूब रौंदा। अब ये सब सहकर मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आप तो मुझे मेरा सम्मान दिलाने वाले थे और आप तो मुझे खुद ही कष्ट दे रहे हो। इस पर कुम्हार ने बड़े ही सद्भाव से कहा कि बहन धैर्य रखो, कष्ट सहती जाओ, एक दिन तुम्हें इस कष्ट को सहने के बदले में बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। यह सुनकर मिट्टी चुप रही, कुछ नहीं बोली। इसके बाद धीरे 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 कुम्हार ने उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाया और एक सुंदर घड़े का रूप दे दिया। इसके बाद जब कुम्हार ने मिट्टी का धैर्य टूटते हुए देखा तो कुम्हार ने मिट्टी से कहा कि बहन बस एक अग्नि परीक्षा और बाकी है, अगर तुम उसे पास कर लोगी तो तुम्हें सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद मिट्टी चुप रही और उसने अंत में सभी परीक्षाएं पास कर ली। तो फिर क्या था, इसके बाद सचमुच में सुंदरियां उसको अपने मस्तक पर रखकर पनघट पर पानी भरने के लिए चल पड़ी और अपना इतना सम्मान होते हुए देखकर मिट्टी खुशी से फूले नहीं समा पाई और अंत में बोल ही बैठी कि सम्मान पाने के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ता है, तो मान्यवर यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी पड़ता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।